सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर सीरीज. फ्रीलांसिंग सीरीज चल रही है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया अभी तक, और भी जितने लोग हैं उनके साथ शेयर कर दो. डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सब करते जाओ दोस्तों. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे जो है पेमेंट्स रिसीव करोगे, इंटरनेशनल भी और जो हमारे लोकल हैं वो भी. तो हमने सारी चीज़ों की बात कर ली है यार, जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसका. लेकिन इसके बाद अभी बात आ जाती है कि भाई हमें पेमेंट्स कैसे लेनी है दीदी, कि हम लोग पेमेंट्स कैसे लेंगे. ठीक है, तो काफ़ी सारे तरीके हैं यार. हम पहले इंटरनेशनल तरीके की बात करते हैं. तो इंटरनेशनल में दो तरीके हैं बेस्ट, वो मैं आपको बता रही हूँ. पहला है पेएनईर और दूसरा है पेपाल. ठीक है, अभी पेपाल और पेएनईर क्या है, तो यार ये गेटवेज हैं. गेटवेज मतलब क्या हो गया कि आप जब ट्रांजैक्शन करते हो, हम तो INR में रिसीव कर रहे हैं ना, हमें इंडियन करेंसी में चाहिए, इंडियन रुपीज़ में चाहिए. मैं इंडियन हूँ तो मुझे इंडियन रुपीज़ में चाहिए. लेकिन जो सामने वाला क्लाइंट है, हो सकता है वो US डॉलर की करेंसी रखता हो, वो जो है US में रह रहा है, तो उसकी करेंसी वो है. हमारी करेंसी सेम ना होने के कारण कुछ एक चाहिए ना माध्यम जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करा सकें उसको अपने अपनी करेंसी में, और उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट्स में आ जाए. तो उसी का काम जो है ये गेटवेज करते हैं यार, जिसमें से एक है पेपॉल और एक है पेएनईर. ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे गेटवेज हैं यार. और अगर मेरी बात करो कि मैं कौन सा यूज करती हूँ, तो स्टार्टिंग में मैंने पेएनईर यूज किया है. अभी मेरा पेपॉल का बिजनेस अकाउंट भी जो है वेरीफाई हो गया है, तो हम अभी हमारे पास दोनों अकाउंट्स हैं, पेपॉल का भी है और पेएनईर का भी है. ठीक है, अभी आप साइन अप कैसे करोगे या आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हो, उसके मैं आपको जनरल स्टेप्स दे देती हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है. इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं यार, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा paypal.com और पेएनईर का. तो आप वहां से जाकर के उनकी वेबसाइट पे जाओ और सबसे पहले साइन अप करो. अभी यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ याद रखनी है यार, आपको बिजनेस पेपाल में जो है बिजनेस वाला बनाना है, आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है. पेएनईर में ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आपको नॉर्मल प्रोसेस करनी होगी. ठीक है, जो ईमेल यूज़ करोगे यार, वो सारी जगह पे पेमेंट के लिए यूज़ हो रही होगी, इसलिए उसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप कौन सी ईमेल यूज़ कर रहे हो. अभी बिजनेस और पर्सनल में आपको बिजनेस सिलेक्ट कर लेना है. उसके बाद जो है आपकी जो भी कंट्री होगी, आपको वो सिलेक्ट करनी है कि आप कहाँ के रहने वाले हो. उसके बाद वो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, और इस तरीके से आपका पेपाल का जो है और पेएनईर का जो है अकाउंट बनकर के तैयार हो जाएगा. एक चीज़ जहाँ पर अक्सर लोग अटक जाते हैं वो है पर्पस कोड. ठीक है, तो उसमें पर्पस कोड पूछा जाता है कि भाई आपका क्या पर्पस है ये अकाउंट क्रिएट करने का. तो फ्रीलांसर्स जितने भी हैं उनके लिए 5 पर्पस कोड्स हैं जो जनरली लोग यूज़ करते हैं. मैंने कौन सा किया मैं आपको वो भी बताती हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे ये 5 पर्पस कोड हैं. ठीक है, तो मैं आपको वो एक बार बता देती हूँ. P1009 है, ये कंप्यूटर और IT सर्विस वाला है. ठीक है, तो इसमें जो है जितने भी लोग हम क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा है P0801, वो है कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए, तो ये भी फ्रीलांसर्स यूज़ करते हैं जनरली, तो आप ये वाला पर्पस कोड भी यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा है P0803, वो है टेक्निकल एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज, तो हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है P0802 है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, और P0804 जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ्रीलांसर्स के थ्रू, वो है अदर बिजनेस सर्विसेज. ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इससे रिलेवेंट, तो आप ये वाला जो है आखिरी कोड है P0804 जो कि मैंने भी यूज़ किया था, आप वो यूज़ कर सकते हो. जब आपसे पूछा जाएगा कि पर्पस कोड सिलेक्ट करने को आपको ऑप्शन आएगा, तब आप वो सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर बात की जाए दोनों की, तो यार दोनों ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं. ठीक है, पेएनईर कहीं कहीं पे किसी किसी प्लेटफॉर्म में कंपैटिबल नहीं है, लेकिन जो पेपाल है वो सब जगह पे एक्सेप्टेड है. ठीक है, तो इसलिए जो है पेपाल कई लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट पेएनईर फाइवर के थ्रू एक्सेप्टेड था उस टाइम पे, इसलिए मैंने उस पर अकाउंट बनाया था. अब ये जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं यार, ये थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि वो आपको कन्वर्ट करके करेंसी आपके बैंक अकाउंट में सेफली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा रहे होंगे, तो वो कुछ चार्ज काटते हैं यार. तो वो चार्ज का दोनों का वैरी होता है. ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको. पेपाल का अप्रॉक्सीमेटली 2.9% होता है, प्लस 30 सेंट्स जो है पर ट्रांजेक्शन उनका रहता है एडिशनल. ठीक है, तो ये उनकी फीस हो गई. पेएनईर का भी जो रहता है वो 1-2% के बीच में रहता है. ठीक है, तो ट्रांजेक्शन फीस का ये हो गया सीन. इसके अलावा कितने दिन में वो पहुंचा देता है यार, तो 2-3 दिन में दोनों पहुंचा देते हैं. पेएनईर थोड़ा फास्ट है, पेपाल जो है 2-3 business days ले लेता है ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने में, और पेपाल का 1-2 दिन में आपके पास पेमेंट आ जाता है. पेपाल जो है 26 करेंसी सपोर्ट करता है यार, और पेएनईर जो है 126 करेंसी सपोर्ट करता है. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये डिफरेंस आपको बता दिया है, आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से. दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दोनों भी अच्छे हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ट्रांजैक्शन फीस का भी. पर हाँ, आपको जो लग रहा हो तो आप वो ले सकते हो. मैं यहाँ नहीं सजेस्ट करूँगी कि आपको क्या यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें यूज कर सकते हो. ठीक है, पर्पस कोड में जो है ज्यादा तो लोगों को दिक्कत आती है, तो मैंने इसलिए आपको 5 पर्पस कोड जो है पहले लिस्ट करके दे दिए हैं, ये वो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये पेपाल और पेएनईर का सीन होता है यार. इसके अलावा अगर हमारे लोकल क्लाइंट्स हैं, तो आप उनसे किसी भी तरीके से पेमेंट ले सकते हो, UPI से ले सकते हो, अपनी बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स होती है उनको शेयर करके ले सकते हो. ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे
प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू आप उनको पेमेंट ले सकते हो, नहीं तो आप अपना QR कोड बना लो एक बढ़िया सा और उसको शेयर कर दिया करो, तो उससे पेमेंट ले सकते हो। तो लोकल में तो कोई इशू है नहीं, बट इंटरनेशनल पेमेंट्स में काफ़ी बार दिक्कत जाती है। तो ये दो तरीके हुए जिनके थ्रू जो है आप पेमेंट्स ले सकते हो। तो बस यार, आज की वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली कि हम कैसे पेमेंट्स ले सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, और आगे की सीरीज़ का इंतजार करते रहो यार। आगे के पार्ट्स में हम लोग कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स की बात कर रहे होंगे जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रीलांसर, एज अ बिगिनर। तो मैंने इतने जो सालों में सीखा हुआ है उनके बेसिस पे मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाली रहूँगी आपकी इस जर्नी के लिए। तो वो मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। अगर उसका वेट कर रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ स्माइली वाला इमोजी इन द कमेंट सेक्शन लो, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन वेट कर रहा है नेक्स्ट पार्ट का। और हमारी सीरीज अंत की तरफ आती जा रही है दोस्तों, और बस अभी जल्दी से ये सिलसिला खत्म होकर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।